वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान सूरत हाल में भारत लूजर और अमरीका कन्फ्यूज है। अमरीका को तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आइंदा क्या होगा। भारत ने वहाँ अरबों डॉलर्स की सरमाकारी कर रखी है, वो ज़्यादा मुश्किल में है। अफगानिस्तान के मजीद 11 अजला तालिबान के कंट्रोल में चले गए। 1000 अफगान फौजियों ने जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में पनाह ले ली। बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार, तहरीक इंसाफ और नून लीग पर एक साथ वार। कहा जियालों को हुक्म दिया तो वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली का भी। हम आपकी तरह तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो वोट से करो। कराची में चीनी की थोक कीमत 3 रुपये किलो बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 90 रुपये फी किलो के हिसाब से 40,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 100 रुपये किलो में पड़ेगी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपये फी किलो मुकर्रर है। सिंध और पंजाब में सीएनजी की कीमत में इजाफा। सिंध में सीएनजी 16 रुपये फी किलो महंगी होने के बाद 140 रुपये फी किलो हो गई। सूबे के सीएनजी स्टेशन 14 दिन बाद खुल गए। पंजाब में भी सीएनजी की कीमत में 18 रुपये फी लीटर का इजाफा, 106 रुपये फी लीटर हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की की बड़ी अफवाज के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों ने फौजों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी ज़ियारत में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई जिससे खुनकी में इजाफा हो गया। कोहलू और जोब में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोहलू के इलाके मावन में सैलाबी रेले में बह जाने से खातून जान बह गई। वादी नलतर में नलतर सतरंगी झील के करीब ग्लेशियर फटने से बर्फानी तोता गिर गया। नलतर नाले में झील बन गई। मुल्क का कच्चे मकानात, जंगल और चरागाह का वसी हिस्सा जेरे आब आ गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तेज़ रफ्तार ट्रक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जान बहक, कई जख्मी हो गए।